ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे और उन्होंने आम जनता को संबोधित भी किया और इस माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन पहले तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए आम जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया है। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो भारत के अमर शहीदों की याद में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व रायपुर पश्चिम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो वहीं सदी सचिव रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में तिरंगा साइकिल यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और युवा के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। तिरंगा साइकिल यात्रा में आकर्षण का केंद्र रही सोनार आत्मानंद स्कूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा, जो अपने क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय के साथ पूरे जोश और हर्ष के साथ साइकिल तिरंगा यात्रा में शामिल हुई और भारत माता का जयकारा लगाते हुए आमजनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तिरंगा साइकिल यात्रा को लेकर विकास उपाध्याय ने अपने वक्तव्य में कहा कि देश की आजादी को लेकर वीर शहीदों के बलिदान और क्रांति को स्मरण कर ही शरीर में उत्साह का संचार होता है और उनसे देश हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साइकिल तिरंगा सद्भावना यात्रा कल 15 अगस्त और 14 अगस्त को उन वीर शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की एकता अखंडता, इस देश के भाईचारे के लिए बलिदान दिया, आहुति दी, शहीद हुए, हंसते हंसते फांसी पर सूली पर चढ़ गए, उन शहीदों को नमन करते हुए आज हम लोगों ने भारत छत्तीसगढ़ महतारी चौक से भारत माता चौक, माता भक्त माता करुणा चौक, कबीर चौक और जयस्तंभ चौक में जहाँ हमारे वीर शहीद यहाँ पर हुए थे, आज इनको एक संदेश देते हुए हम लोगों ने आजादी को देखा नहीं था लेकिन आज़ादी के उन परवानों को जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी आहुति दी, उनको याद करते हुए सद्भावना साइकिल यात्रा से हम तमाम हमारे साथी, युवा साथी, छात्र साथी, आज सब लोग हम लोगों ने तिरंगा साइकिल यात्रा निकाल कर आज उन शहीदों को नमन किया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।